गलत टाइम है, कब रहता है इनका देखने का टाइम? इनका तो दोपहर को रहता है। तो अंकल बता रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे सेवा कर रहे हैं काफी सालों से, यहाँ पे 5,000 गायें हैं। इस मंदिर के ऊपर से आप खड़े होकर देखोगे इन सनसेट दिख रहे हैं यहाँ पे। मेरे स्नेह ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग है वो अलग ही प्रकार का होने वाला है, उसके लिए पहले हम अभी रेडी होंगे। तो फाइनली गाइस हम रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं घूमने। तो आपको मैं एक सर से मिलाने वाला हूँ जिसका नाम है गणेश सर। उसका एक खासियत है कि वो कोई भी प्लेयर को देखते ही वो पहचान लेता है कि वो आगे चल के क्या क्या करेगा, क्या बनने वाला है। तो ये देख सकते हो, ये गणेश सर। गाइस ही इज जस्ट मेसिंग विद यू, ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल हम 6 जा रहे हैं, 6 कोचेस हैं। फाइनली गाइस हम लोग उदयपुर सिटी के बाहर, शायद सही यहाँ से उदयपुर सिटी से कितना किलोमीटर हमको पड़ा? 50। तो उदयपुर सिटी से 50 किलोमीटर दूर हम नाथद्वारा पहुँच चुके हैं और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हम घूमेंगे और दर्शन करेंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग उदयपुर सिटी के बाहर, शायद सही यहाँ से उदयपुर सिटी से कितना किलोमीटर हमको पड़ा? 50। तो उदयपुर सिटी से 50 किलोमीटर दूर हम नाथद्वारा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हम घूमेंगे और दर्शन करेंगे। नाथद्वारा घूमे में हम कैसे लगा आपको? नाथद्वारा घूमे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। श्री कृष्ण जी का मंदिर था यहाँ पे, तो बहुत लाइन लगानी पड़ी, लेकिन आप तो हमें छोड़ के पहले चले गए। मैंने बुलाया था आपको, आप आए नहीं। नहीं, नहीं। अच्छा मैम आप बताओ, मैम ने कब बुलाया आपको? आपको बुलाया? अभी सोचा नहीं, मुझे भी नहीं बोला। मैंने उस टाइम पे क्या बोला था? जो बड़े लोग आ रहे, मैंने कहा वो लोग आ रहे हैं, मंदिर चलते हैं, लाइन लगेगी, तुम सब आप खाने बैठे तो हमें। फिर मैंने बात करते करते लोगों से फोन, बस 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 होगी, फोन जमा हुआ ना, नहीं होता। वी आई के दर्शन करके आई हूँ। सर गणेश सर आपको कैसे लगा नाथद्वारा घूम के? एक्सपीरियंस ऐसे कुछ खास नहीं, पर काफी सारे लेसन मिले मुझे इस ट्रिप से, जो कि मैं ध्यान में रखूंगा आगे से। जैसे कि वो लेसन मैं सबको नहीं बताना चाहता। अभी कहाँ जाएंगे? गौशाला में नहीं जा रहा मैं। गौशाला में क्या होता है? गौशाला नहीं जाऊंगा मैं, सरकार के उधर से गाय आपने देखा नहीं अभी तक? छोटा सा गाय चलाते चलाते इतना बड़ा हो गया। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम नाथद्वार मंदिर से गौशाला आए हैं, और नाथद्वार जो मंदिर है वो इतना ज्यादा भीड़ था कि क्या ही बोलूं। हम दर्शन करने गए थे तो ना हमको फोन अंदर दिया जा रहा था, उसकी वजह से मैं आपको वहाँ का नज़ारा भी नहीं दिखा पाया, और काफ़ी भीड़ थी, और मैं भी खुद दर्शन करने गया वहाँ पे, तो आप यकीन नहीं मानोगे मैंने 1.5 घंटा वहाँ पे खड़ा रहा लाइन में, तब जाके मैं दर्शन कर पाया। ये गौशाला का एरिया है, पूरा एरिया ये देख सकते हो आप। कर सकते हैं
पर रहता है। तो अंकल बता रहे हैं यहाँ पे सेवा कर रहे हैं काफी सालों से, इनके पूरे पूर्वज यहाँ पे सेवा करते थे। ये बता रहे हैं यहाँ पे 5,000 गायें, ये जो गायें ये 3,000 गई है। 3,000 गई है। अच्छा ये इनका कितना टाइम हो गया इनका? 18 साल। हाँ। इनका वन से 350 साल से चला आ रहा है। अरे बड़ी पवित्र गाय है, अभी अभी है। नाम भी पवित्र है। और हमने अभी इनका क्या किया था, चरण स्पर्श किया हमने इसका, और परिक्रमा भी किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। काफी अच्छा लगा। नाथ द्वारा मंदिर और गौशाला मंदिर दोनों हम घूम चुके हैं, और गौशाला मंदिर तो मैं आपको दिखाया बट नाथ द्वारा मंदिर नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि फोन आप लेके अंदर घुस नहीं सकते हो, तो जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाया। पर अच्छा लगा मुझे वहाँ पे, और क्या नहीं, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा था, इतना ही ज़्यादा था मैं क्या ही बोलूँ। अगर आप बिलीव नहीं करते मैम से पूछ सकते हो कितना भीड़ था। मैं काफ़ी भीड़ था, धक्का मुक्की भी हो रही थी। अब आए हुए हम गणेश जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर ही है। देखो ये मंदिर है, वहाँ पे भगवान जी का, गणेश भगवान जी का मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। और पीछे आप देख सकते हो नज़ारा, इस मंदिर के ऊपर से आप खड़े होकर देखोगे नीचे तो देख सकते हो सनसेट दिख रहा है यहाँ पे, और काफ़ी मस्त नज़ारा देख सकते हो। उदयपुर से करीब 57 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और यहीं पे घूमने का अच्छा जगह है। और ऐसा नहीं है कि उदयपुर में घूमने का जगह नहीं है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा अच्छा प्लेस है, बट यहाँ पे हमने पहले सुबह प्लान बना रखा था कि हमको यहाँ पे आना है, और सुबह हम निकले थे 11 बजे निकले थे हम, और अभी शाम का 6 बज रहा है, तो अब सोच सकते कितना टाइम हमने घूमा। और अब टाइम है, हम अब जाएंगे रूम फिर से, क्योंकि 57 किलोमीटर समझ सकते हो कितना लंबा रूट है, 2.5 घंटा लग जाएगी शायद, तो हम निकलने वाले हैं। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ एक चीज़, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपना एकेडमी दिखाऊंगा, तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप नेक्स्ट ब्लॉग देख सकते हो। बाकी ऐसे मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।